हेलो स्टूडेंट, आज हम नेचुरल रीजन इस लेसन का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। हमें यहाँ पर लास्ट पीरियड में हमने देखा था ये नेचुरल रीजन्स के कुछ यहाँ पर हमें स्पेसिफिक ऐसे नेचुरल रीजन्स बताए हैं और उसके बाद में उनका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर दिया है। सबसे पहले आता है मानसून रीजन, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल। नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के बीच में 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पैरेलल की तरफ ही आता है। एरियाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरियाज कुछ आता है, फिलीपींस का कुछ यहाँ पर आता है, वेस्ट इंडीज का आता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका का कुछ हिस्सा इसमें आता है। उसके बाद में मेडिटेरेनियन रीजन हमें दिया है, एक्सटेंड्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, 30 और 40 डिग्री पैरेलल्स इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में दोनों हेमिस्फीयर की तरफ 30 डिग्री और 40 डिग्री पैरेलल्स में इनका मेडिटेरेनियन रीजन है। पुर्तगाल आता है उसमें, स्पेन आता है, अल्जीरिया आता है, तुर्की, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा। वेस्ट यूरोप रीजन हमें यहाँ पर बताए हैं, लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 45 डिग्री एंड 65 नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स। ये वेस्टर्न पार्ट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में है, इनका लोकेशन है 45 से लेके 65 नॉर्थ और साउथ पैरेलल्स की तरफ। नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथ चिली और न्यूजीलैंड ये हिस्सा इसमें आता है। देन मानसून रीजन का समर टेम्परेचर हमें बताया है, समर टेम्परेचर्स बिटवीन 27 एंड 32 डिग्री सेल्सियस। समर का टेम्परेचर मानसून रीजन में जो होता है 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक। विंटर टेम्परेचर यहाँ का 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल यहाँ पर 250 से लेके 2500 मिलीमीटर तक का है। एरियाज गेट रेन्स इन स्पेसिफिक सीजन्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पर जो एरियाज है इन एरियाज में स्पेसिफिक सीजन में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है। रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइट अनइवन। रेनफॉल हाईली वेरिएबल यानी कि अलग अलग जगह पे रेनफॉल अलग अलग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन करना उसका अनइवन है। उसके बाद में यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन बताया है, उसका ड्राई समर्स एंड रेनफॉल इन विंटर्स। समर में ड्राई ऐसा वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है और विंटर सीजन में रेनफॉल होता है। मीन समर टेम्परेचर फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। मीन समर का टेम्परेचर पूरे साल भर का समर का टेम्परेचर यहाँ पर 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। विंटर का टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 14 डिग्री सेल्सियस। विंटर का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मीन एनुअल रेनफॉल 500 टू 1000 मिलीमीटर। पूरे साल भर में यहाँ पर बारिश 500 से लेके 1000 मिलीमीटर तक ही होती है। इट रेन्स इन विंटर और विंटर में यहाँ पर बारिश होती है। मीन समर टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। समर का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस का है। मीन विंटर टेम्परेचर अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। पूरा विंटर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन रेनफॉल बिटवीन 500 एंड 2500 मिलीमीटर। पूरे मीन रेनफॉल जो होता है 500 से लेके 2500 मिलीमीटर का है। रेनफॉल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन्स एसोसिएटेड विथ वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज जो होते हैं उसके साथ साथ साइक्लोन्स में भी यहाँ पर रेनफॉल होता है। इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, क्लाइमेट इज माइल्ड। पूरे साल भर भी यहाँ पर बारिश होती है और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो माइल्ड होता है। फिर हमें यहाँ पर
नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमें बताया है, सेमी एवरग्रीन एंड डेसीडियस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन और डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर यहाँ पर वेजिटेशन डिपेंड्स होता है। बनियान के ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, पीपल है, टीक है, साल, शीशम, संदलवुड, शिंचोना, बैम्बू, एकेसिया, श्रब्स और ग्रासेस यहाँ पर पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहाँ पर थिक स्मॉल एंड ऑयली लीव्स, वहाँ पर थिक और स्मॉल और ऑयली लीव्स होते हैं। थिक बार्क एग्जांपल्स ऑलिव, थिक बार्क से यहाँ पर पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल ऑलिव दिया हुआ है। उसके बाद में ऑलिव, ओक और चेस्टनट। ग्रास इन लो रेनफॉल रीजन, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर ग्रास देखने को मिलती है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन माउंटेनियस रीजन, जहाँ पर माउंटेनियस रीजन से वहाँ पर कॉनिफेरस के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में वेस्ट यूरोपियन रीजन में ग्रीन ग्रासेस ऑल ओवर ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल भर में ग्रीन ग्रासेस देखने को मिलते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर, ट्रीज जो होते हैं उनके लीव्स विंटर में गिर जाते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, शॉर्ट ग्रासेस भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ओक, बीच, मैपल, इल्म, पाइन, स्प्रूस और पॉपुलर ऐसे ट्रीज देखने को मिलते हैं। एनिमल लाइफ के बारे में बताया है, मानसून रीजन में जो एनिमल लाइफ है वो एनिमल लाइफ वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर जैसे सच एज टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, चीताज, एलिफेंट, वुल्व्स, बोर्स, मंकीज, स्नेक्स, पीकॉक्स, कुकीज ऐसे यहाँ पर कुकूस वगैरह देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कैटल, गोट्स और हॉर्सेस देखने को मिलते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में ड्यू टू एनिमल हस्बेंड्री डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर, यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री पाई जाती है, इसकी वजह से डोमेस्टिकेट एनिमल्स ही ज़्यादा नंबर पर पाए जाते हैं, गोट, शीप, काउ, म्यूज, हॉर्सेस एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इन लार्ज नंबर्स, एनिमल हस्बेंड्री की वजह से यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड वुल्व्स, फॉक्सेस, बियर्स एक्सेट्रा, और वाइल्ड एनिमल्स जो है उनमें यहाँ पर ज़्यादा करके वुल्व्स, फॉक्सेस और बियर्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमन लाइफ जो है यहाँ की उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हेमलेट्स, छोटे छोटे हेमलेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कंसिडरेबल डिफरेंस इन डाइट एंड कॉस्ट्यूम, डिफरेंस यहाँ पर डाइट और कॉस्ट्यूम में देखने को मिलता है। पॉपुलेशन इज़ मोस्टली इन्वॉल्व इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा करके प्राइमरी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, यहाँ के लोगों का मेन काम एग्रीकल्चर है। सीट ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन यहाँ पर पाए गए हैं। मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। मोस्टली फ्रूट एंड फ्लावर कल्टीवेशन, ज़्यादा करके मेडिटेरेनियन रीजन में फ्रूट और फ्लावर का कल्टीवेशन किया जाता है। व्हीट एंड व्हीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेपल डाइट, व्हीट और व्हीट से बने हुए प्रोडक्ट्स यहाँ के लोगों के ज़्यादा डाइट में होता है। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, यहाँ पे रहने वाले लोग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। उसके बाद में हमें वेस्ट यूरोपियन रीजन में इंडस्ट्रीज एंड इंथुजियास्टिक पीपल, इंडस्ट्रीज और इंथुजियास्टिक पीपल है यहाँ के, हैव बीन मेनली सेलर्स एंड एक्सप्लोरर्स, ज़्यादा करके लोग सेलर्स और एक्सप्लोरर्स है। यूज उलन क्लॉथिंग, उलन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। हैव अचीव्ड प्रोग्रेस इन सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स में ज़्यादा करके ये प्रोग्रेस करते हैं। Beside the nine regions given in the tables, there are certain other distinctive regions which stand out because of their specific continental locations. ये जो nine regions हमें यहाँ पर tables में दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे distinctive regions है जो अपने specific continental location की वजह से अलग होते हैं। For example, the China type region, सेंट लॉरेंस रीजन एक्सेट्रा। सी द एक्सटेंट ऑफ
दीज रीजन्स इन फिगर 6.5, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल चाइना टाइप रीजन और सेंट लॉरेंस रीजन का दिया है और उनका एक्सटेंट जो है हमें आगे की फिगर में बताया है। इस फिगर में फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर स्टडिंग द अबो मैप। एक फिगर दी हुई है हमें, मैप दिया है 6.1 की फिगर में और कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर हम लेसन ख़त्म होने के बाद में आपको मिल जाएंगे। विच नेचुरल रीजन आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में हमें कौन से नेचुरल रीजन देखने को मिलते हैं। अब नेचुरल रीजन के लिए हमें यहाँ पर कुछ इंडेक्स वगैरह वहाँ पर दिया हुआ है। विच कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज अ मेजर पोर्शन ऑफ द हॉट डेजर्ट टाइप रीजन। कौन से कॉन्टिनेंट में हॉट डेजर्ट टाइप रीजन का ज़्यादा पोर्शन आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रीजन। नेचुरल रीजन के टर्म्स में कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। व्हाई आर देयर फ्यूअर नेचुरल रीजन्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दैन दोज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपेरिजन में साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें नेचुरल रीजन्स कम देखने को क्यों मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच नेचुरल रीजन ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। कौन से नेचुरल रीजन में लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। वेयर एल्स डू वी फाइंड कंडीशंस सिमिलर टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट के सिमिलर ऐसे कंडीशंस हमें दूसरे कहाँ पर देखने को मिलते हैं। थ्रू विच नेचुरल रीजन्स डज द प्राइम मेरिडियन पास। प्राइम मेरिडियन जो है वो कौन से नेचुरल रीजन से होकर जाता है। उसके बाद में और कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच नेचुरल रीजन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट लायोड वेजिटेशन। कौन से नेचुरल रीजन में हमें बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलता है, कम समय तक रहने वाला। इन विच नेचुरल रीजन विल यू फाइंड द कार्ल्स। कार्ल्स हमें कौन से नेचुरल रीजन में देखने को मिलते हैं। विच रीजन हैज़ विंटर रेन। विंटर में कौन से रीजन में बारिश होती है। इन विच नेचुरल रीजन आर गोरिलाज एंड चिंपांजीज फाउंड। कौन से नेचुरल रीजन में गोरिला और चिंपांजी देखने को मिलते हैं। इन विच नेचुरल रीजन इज द लैंड सरफेस इन द फॉरेस्ट डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। कौन से नेचुरल रीजन में लैंड सरफेस जो है फॉरेस्ट में वेजिटेशन के लिए डिवॉइड किया गया है। विच रीजन्स फेवर डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सा रीजन फेवरेबल है। एंड विच रीजन इज़ फेवरेबल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन के लिए कौन सा रीजन सही है। एज वन ट्रेवल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडाइवर्सिटी नैरोज डाउन। जैसे हम इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को कम होती दिखाई देती है। दिस लेड टू द इश्यूज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इस ये जो सब है वो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से होता है। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। इसका परिणाम ह्यूमन ऑक्यूपेशन पे होता है। इन मानसून रीजन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ फ्रॉम द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मानसून रीजन में ज़्यादा करके एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जो होती है वो वहाँ पे रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है। इन इक्वेटोरियल रीजन्स ऑक्यूपेशंस लाइक गैदरिंग ऑफ गम हनी रबर लैक एक्सेट्रा आर ऑल बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और इक्वेटोरियल रीजन्स जहाँ पर है वहाँ पर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन जैसे कि गम गैदर करना हनी रबर लैक ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बेसिस होते हैं। टाइगा इज अ सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। टाइगा जो है यहाँ पर सॉफ्टवुड ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे फॉरेस्ट है। देयरफॉर लंबरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन देयर। और इसीलिए वहाँ पर लंबरिंग ये मेन ऑक्यूपेशन है। इन तुंद्रा रीजन द मेन ऑक्यूपेशन इज हंटिंग एंड फिशिंग। तुंद्रा रीजन में मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग और फिशिंग है। एक्सटेंसिव फार्मिंग इज अंडरटेकन इन ग्रासलैंड नाउडेज। ग्रासलैंड जहाँ पर है वहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग भी की जाती है।
Significant differences are found in the environment and available resources in different natural regions. Significant differences यहाँ पर environment में पाए जाते हैं और जो available resources है वो भी हर एक natural region में different होते हैं. The use of resource is dependent on that region's progress इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वहाँ पर जो नेचुरल रीजन्स में जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो रिसोर्सेस का यूज़ वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना प्रोग्रेस हुआ है उस पर डिपेंड रहता है. सिमिलरली द हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल. और उसी तरीके से वहाँ पर जो हिस्ट्री और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी वहाँ पर रहने वाले लोगों के लाइफ पर अफेक्ट करते हैं. Why are people in the hot desert engaged mostly in animal rearing? Hot desert में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग animal rearing क्यों करते हैं? Why do people in hot desert live a nomadic life? Hot desert में रहने वाले लोगों की life nomadic क्यों होती है? Why the carnivorous animals found in the grassland? Grassland में carnivorous animals क्यों देखे जाते हैं? Always remember, not only human life but the entire living world in the earth depends on the available natural resource. सिर्फ human life ही नहीं बल्कि earth के ऊपर जितने भी living world है वो natural resource पे ही depend होते हैं. Hence, while utilizing these resources, we must think of all the living organisms. और इसीलिए जब हम इस natural resources का use करते हैं तब हमें सभी natural ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचना चाहिए. द कंसेप्ट द अर्थ इज वन सिंगल फैमिली विल बिकम अ रियलिटी ओनली इफ वी डू दैट. ये जो कंसेप्ट है कि एक अर्थ एक सिंगल फैमिली है ये तभी इस कंसेप्ट को हम पूरा कर सकते हैं जब हम इसके लिए कोशिश करेंगे. डू यू नो अबाउट 25% ऑफ द डेजर्ट ऑन द अर्थ आर सैंडी डेजर्ट. अर्थ पे जो भी जितने भी डेजर्ट है उसमें का 25% डेजर्टेड एरिया सैंडी है. मेनी ऑफ द डेजर्ट्स आर ऑक्यूपाइड बाय रॉक एक्सप्लोजर्स और कवर्ड बाय स्टोनी वेस्ट एंड पेबल्स. बहुत ज़्यादा डेजर्ट जो होते हैं वो रॉक के वजह से या फिर स्टोन्स से स्टोनी वेस्ट की या पेबल्स की वजह से कवर्ड है. सम हैव हाई हिल्स विथ नैरो रॉकी पिनेकल्स. उसके बाद में कुछ डेजर्टेड एरिया वहाँ पर हाई हिल्स है जिसमें नैरो रॉकी पिनेकल्स देखने को मिलते हैं. डेजर्ट्स लाइक लद्दाख इन अवर कंट्री और एरिजोना इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर ऑफ दिस टाइप. हमारी कंट्री में लद्दाख और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एरिजोना टाइप के जो डेजर्ट है वो इसमें आते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग इन द डेजर्ट लिफ्ट एंड डिपॉजिट सैंड टू मेक सैंडी हिल्स और सैंड ड्यून्स. स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से जो डेजर्टेड एरिया है वहाँ पर जो सैंड होती है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट होती है और वहाँ पर सैंडी हिल्स या फिर सैंड ड्यून्स बनते हैं. सम ड्यून्स कैन बी एज हाई एज 200 meters. उसमें से कुछ ड्यून्स जो है 200 meters के होते हैं. दीज हिल्स डू नॉट रिमेन स्टेशनरी बट कीप मूविंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स. ये जो हिल्स होते हैं वो हमेशा एक जगह पर ही नहीं रहते. जैसे ही विंड आता है तो उस विंड के इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी जगह चेंज होती है. एट टाइम्स विलेजेस गेट बरीड अंडर देम. कभी कभी इन हिल्स के नीचे पूरे का पूरा विलेज भी चला जाता है. वी विल सी द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट पीरियड.